हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी वक्त हो रहा है शाम का, करीब 4 बजे हैं। आज मैंने ब्लॉग अपना 4 बजे से स्टार्ट किया। अच्छा, मैं कोशिश कर रही थी कि सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, बट आज नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी हिम्मत जुटाई कि मैं चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मुझे वीकनेस तो है ही, इस चक्कर में ना बहुत काम ज़्यादा समझ में आ रहा था और कैमरा वगैरह लगाओ, सेट करो, इस चक्कर में फिर मैंने सोचा धीमे धीमे काम निपटा लेते हैं। बिकॉज आज मुझे कपड़े भी कुछ हाथ से धुलने थे और झाड़ू पोछा ये सब भी लगाना था, क्योंकि 2 दिन से स्किप हो गया था पोछा लगाना, तो वो भी था। और दक्ष ने बेडशीट वगैरह भी गंदी कर रखी थी तो वो भी धुलनी थी, तो बेडशीट वगैरह तो वॉशिंग मशीन में धुली है मैंने। और ये देखिए, ये चद्दर वगैरह जो रोज़ ओढ़ते हैं वो भी मैंने धुले हैं वॉशिंग मशीन में। आज ज़्यादा ही कुछ काम कर लिया मैंने, तो जब कभी ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो मैं नहीं वीडियो शूट करती हूँ। अच्छा, पहले क्या होता था, जब मैं पुराने वाले घर में थी और दक्ष नहीं था उस टाइम, आधे ही थी केवल, वो भी बड़ी हो चुकी थी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो कुछ भी काम करो, क्लीनिंग करो, किचन की डीप क्लीनिंग तक करो, कैमरा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से कर लेती थी। और यहाँ तक कि आध्या भी किचन के जो डब्बे हैं छोटे छोटे उठा के देती थी, मुझको हेल्प कराती थी। लेकिन अब कुछ और ही सिचुएशन हो चुकी है, मतलब मैं भी थोड़ी सी वीक हो चुकी हूँ और दक्ष भी अभी छोटा है और मुझे अपना काम ज़्यादा दिखता है। फिर ये भी होता है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता है और फिर टाइम पे खाना भी ना मिले तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर मैं दवाई भी नहीं ले पाऊँगी अपनी, तो बस वही है। फिर मैंने अभी शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया, तो अभी मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ चाय पीने के लिए, तो फटाफट चाय बनाते हैं और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी हमसे पूछा जा रहा है कमेंट करके कि कैसी हो, हालचाल कैसा है। सो तो मैंने कल ब्लॉग डाल दिया था, अच्छी हूँ मैं, ठीक हूँ, लेकिन वीकनेस है। और मतलब कल की रात में ही थोड़ी सी वीकनेस फिर से हुई थी मुझे, मैं सारा काम खाना वगैरह बनाने के बाद मैं दूसरे वाले रूम में जो कपड़े वगैरह रखे होते हैं ना, इनको फोल्ड करके रखना होता है डेली वाले, वो फोल्ड कर रही थी। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी आ गए, बोले मैं कर लेता हूँ साथ में तुम्हारे, जल्दी हो जाएगा। मेरा ठीक है, अचानक से फिर से मैं वहीं बैठ गई, एकदम से बीपी लो हुआ और फिर वैसी कंडीशन हो रही थी, बट इस बार थोड़ा सा कम हुआ तो मैं ठीक हो गई। तो ये सिचुएशन कुछ हो गई है मेरी, और कुछ नहीं, सब ठीक है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ, अभी आपके सामने हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। लेकिन जब कुछ होता है तब अलग बात होती है, पता नहीं ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं रहता है। तो बस चलिए चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, बहुत दिन से चाय भी नहीं पिलाई है आप लोगों को, तो आज चाय पिलाते हैं। ठीक है, मैंने चाय के साथ में थोड़ी सी लहिया है इसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैं अकेले बैठ के खाना शुरू कर दी, मेरे हस्बैंड भी हैं, बस कैमरे के सामने नहीं है वो। और चाय जो है मैं बोल रही हूँ ले लो, तो बोले मैं ले लेता हूँ, एक्चुअली वो अपने काम में थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं लहिया खाने लगी हूँ और उनको ट्रे सरका दी है कि ले लो अपने लिए चाय। और चाय ना मैं थोड़ी ठंडी पीती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर में पीऊँगी। और मैं इनसे बोल रही हूँ कि आ जाओ ना कैमरे के सामने, बट ये अभी आ नहीं रहे हैं, इनका मन नहीं है, इसलिए तभी मैं हंस रही हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ अपना ये छोटा मोटा सा स्नैक्स, कभी कभी इस तरीके की चीज़ें बना लो, या फिर मैं कभी कभी मखाने भी फ्राई कर लेती हूँ,
लेकिन कभी कभी रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ, नहीं कभी कभी कर लेती हूँ। अभी चाय वगैरह हो गई है मेरी और ये बेह रहे मेरे दक्ष जो कि जग गए हैं, है ना दक्ष? जग गए हो ना? ये कैमरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। और दक्ष अब झूला में नहीं सोता है क्योंकि अब वो ज़्यादा उछलने लगा है, इस वजह से डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए। और ये झूला मैं अपना फुल एक्सपीरियंस बताऊँगी, झूला है बहुत अच्छा, मेरे बेटे के लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मेरा बेटा इसी झूले में ही झूलता था, लेकिन अभी क्या है वो ज़्यादा उछलने लगा है। और आई थिंक 5th month के बाद से बच्चों में जो एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उछलने की, भागने की, चलने की, मतलब घुटनों से सरकने की, इस तरीके की। तो ये झूला उन बच्चों के लिए फिट नहीं है। अगर ये झूले में ये लिखा हुआ आपको मिले कि ये 1 साल या 2 साल के लिए है तो उन्हीं बच्चों के लिए है जो उछलेंगे नहीं, अदरवाइज 5 month तक ठीक था ये, बस और कुछ नहीं। तो 5 month तक ये मेरे बेटा इसमें झूला है, अब हम इसको उठाकर रख देंगे। और कल हम लोग गए थे जब तो आध्या के लिए लेकर आए हैं डॉल सेट, यानी एक दूल्हा एक दुल्हन वाला सेट, और दक्ष के लिए है लाए हैं एक पिलो और एक छोटी सी सॉफ्ट वाली बॉल ताकि वो पकड़े। एक्चुअली आध्या के लिए एक बॉल लाए थे पहले प्लास्टिक वाली जो कि ये पकड़ता था तो उसके हाथ से सरक जाती थी, और जो ये वाली जो मैं लाई हूँ सॉफ्ट वाली वो अच्छी है, वो मतलब कपड़े वाली हो फॉर्म वाली, उसको पकड़ता है तो पकड़ के रख लेता है तो उसके लिए ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी आध्या के दूल्हा दुल्हन सेट भी और बॉल भी और तकिया भी। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि आध्या के दोनों जो टॉय लेकर आई हूँ वह दिखाऊँ, डॉल एंड मतलब गुड्डा एंड गुड़िया, लेकिन वो बोली नहीं मैं दिखाऊंगी मम्मा अपने टॉयज, तो इस तरीके से छुप गई। फिर उसने बड़े ही प्यार से वाके बोला कि मम्मा लो दिखा दो ना मैं आ रही हूँ आपको दिखाने, ऐसे ही करती है। आध्या का मतलब कुछ और ही रहता है, कभी कभी बड़े प्यार से बोलेगी मम्मा अब मेरे टॉय दिखा दो ना, कभी कभी नहीं मम्मा मुझे नहीं दिखाना है। अच्छा हाँ, जब मेरी आध्या का मन नहीं होता है वीडियो में आने का मैं बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, लेकिन जब उसका खुद से मन होता है तभी मैं लाती हूँ। तो अच्छे है ना डॉल? नहीं नहीं अभी तो हम ये खा चुके हैं, और खानी है 3 घंटे बाद। अच्छा, और वो वाली जो टैबलेट्स हैं वो बोलो। नहीं नहीं आप एक वो कह रहे थे ना कि अच्छा वो बताओ जो दूध में घोल के पीना था वो फिर पीना था, सुबह हमने पिया ही नहीं। मेरे हस्बैंड ने ऑन कैमरा ही मुझको सुना दिया है, और भी कुछ डांट पड़ रही थी मेरी बट मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि मैंने दवाई टाइम पे ली नहीं थी इसलिए वो गुस्सा कर रहे थे। और दक्ष देखो कितने ध्यान से देख रहा था। और ये है झूला, ये मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं, मार्केट जा रहे हैं सब्जियाँ लानी है, तो मैंने बोला कि जाते जाने से पहले एक काम करो, ये झूला है ना इसको बंद करके रख दो। तो यह झूला बड़ी ईजिली बंद हो जाता है और ईजिली लग भी जाता है, तो ठीक लगा मुझे इसका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। 5th month तक के लिए ले सकते हैं अदरवाइज़ नहीं, और उसके बाद आप इस बच्चे मतलब बच्चे को झूले में नहीं रख सकते हैं। ये देखिए पैर इधर से उधर हो गया है, और जब ये जाते हैं तो दक्ष इनके पीछे ज़रूर देखता है, तो थोड़ी देर इसको लेकर टहला रहे हैं फिर ये चले जाएंगे। सो गाइस चेंज हो गया मेरा ड्रेस बिकॉज उस वाले में दक्ष ने जो मैंने कुर्ता पहना हुआ था तो उस पे ना दक्ष ने सुसु कर ली तो वो गीला हो गया है। एक्चुअली मैं नीचे इसका जो लोअर था वो मैं पहने हुई थी पहले से ही, और ऊपर से मैं कुर्ता डाले हुई थी, ये वाला नहीं पहनी थी बिकॉज ये मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, आज रात में सोने के टाइम ही पहनती हूँ क्योंकि इसका कपड़ा ना क्वालिटी अच्छी नहीं निकली है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो लेकिन जब इसने वो गीला कर दिया है तो फाइनली फिर मुझे मैं सोचा चलिए दिन तो पूरा निकल गया है तो मैं अब यही डाल देती हूँ, ऊपर से ये डाल लिया है। ठीक है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी, दूल्हा दुल्हन तो दिखाया है मैंने आध्या के, तो वो लाई हूँ मैं और आध्या को काफ़ी अच्छे लगे। उसके बाद ये भी एक पिलो लेकर आई हूँ दक्ष के लिए, और पता है ये पिलो बिल्कुल फिट बैठा है दक्ष के सर के लिए, क्योंकि तो एक तो ये बड़ा क्यूट लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और ये ना यहाँ पर राई भरी हुई है
अच्छा, जिस बच्चे की गोल सर नहीं होता है वो राई का तकिया लगाता है, तो बहुत से लोग घर में बनाते हैं। मेरी आध्या के टाइम पे मेरी सासू माँ ने बनाया हुआ था, तो वो लगाया था। और उसके बाद फिर निकाल दो राई को, कोई बात नहीं, हटा भी सकते हो तकिए को। लेकिन फिर ये वाला जो है मैंने बाई किया है, अभी ख़रीदा है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी राई के लिए, बस राई वाले तकिए की, क्योंकि छोटे बच्चों के लगाया जाता आध्य जब से भी छोटे बच्चों के, बिल्कुल जिनका जन्म हुआ हो तब से, मतलब उनको राई वाला तकिया लगा दो अगर उनके सर में सर गोल नहीं है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है, तकिया वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। ये मैं एक अपनी खुशी के लिए, दक्ष के लिए, बड़ा दक्ष के लिए प्यार से, बड़े मन से मैं ये लेकर आई हूँ, दक्ष के लिए लाई हूँ, लेकिन मन मेरा था लेने का बड़ा। तो ये है, हाँ बाबू आ जाओ, तो मैं ये लेकर आई हूँ। अच्छा ना, कलर अच्छा लग रहा है ये, इसमें भी राई भरी हुई है और अच्छी अच्छा है। तो मेरे दक्ष का तो सर गोल ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ एक बॉल, आवाज़ सुन रहे हैं, इसके अंदर सारे छोटा सा घुन, वो क्या बोलते हैं, घुना या घुंघरू, घुंघरू घुंघरू टाइप का पड़ा हुआ है ये। और ये जो सॉफ्ट बॉल है, ये दक्ष ले लेता है, दबा लेता है, ऐसे चिपका लेता है, तो ये उसके लिए ठीक है। तो मैं गिरी, और जब मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ उस टाइम पे दक्ष हाथ पैर चला रहे हैं, कह रहा है मुझे दो, देख कर ही इतना एक्साइटेड है, बहुत जोर जोर से चला रहा है। तो ये मैं दक्ष को दे देती हूँ। क्या हुआ, चाहिए? अच्छा चाहिए, इसको चाहिए, हाँ चाहिए, ये चाहिए, चाहिए आपको ये चाहिए, हाँ अच्छा चाहिए, ले लो 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 लो, दे दो दे दो, देख रहे हो ना आप लोग हाथ कैसे कर रहा है, चाहिए, हाँ दे दो। तो मैं इसको दे देती हूँ, ये खेलेगा, इसे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें बस थोड़ी शॉपिंग कर ली थी मैंने। आधा अपनी डॉल दिखाना बैठ, वो दुल्हन वाली मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ एकदम कैसी है। थोड़ी सी आध्या ने खेल खेल के ना ख़राब भी कर रखी है। ये देखिए, ये है आध्या की दुल्हन, कुछ ऐसी है। अच्छा, मेरी सिलाई वाली मशीन है ना जो हाथ से चलाती हूँ मैं, वो ख़राब हो गई है, उसको ठीक करा लूँगी, तब मैं इसके और अच्छे अच्छे कपड़े सिल दूँगी, घर से घर के कपड़े में काट कूट के लेस वगैरह लगा के, हाँ सूट वूट सब बना दूँगी, मुझे नहीं आता है बनाना। चलो परी, तो ये मैं आधा की गुड़िया को और सजाऊंगी। दूल्हा कहाँ, दूल्हा दुल्हन, और ये है दूल्हा, पगड़ी लगाए हुए, टीका लगाए हुए, इस तरीके से शेरवानी पहने हुए। इसके जूते हैं आधा ने उतार दिए हैं, बिकॉज जूते के साथ ही गिर रहा था, इसलिए आधा बोले मुझे बिना जूते का ही चाहिए, तो इसकी जूता चुराई रस्म है वो हो गई है, और इसको जूते तभी मिलेंगे, गट पैर मार रहा आध्या को। तो जूते चुराई की रस्म हो चुकी है, और इसके जूते तभी मिलेंगे जब ये नेक देगा, ठीक है ठीक है, तुम्हारे जूते तभी मिलेंगे जब तुम नेक दोगे, ओके ठीक है आध्या, आप खेलो। वो अपना किचन सेट खेल रही है, पहले बाहर खेल रही थी, अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ, तो अपना बेडरूम में खेलने लगे आके। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं सब्जी लेने, और दस का दूध का डब्बा ख़त्म हो गया है तो वो लेने गए हैं। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, अभी झाड़ू लगानी है शाम की, जो कि अभी लगी नहीं हुई है, वो लगाऊंगी। बेड पे बेडशीट नहीं है, आज दोपहर में भी हटा दी थी, इसलिए तो वो भी धुलने डाल दी थी, क्योंकि दस के चक्कर में रोज़ बेडशीट चेंज होती रहती है। वो अगर इस पे जो लिटाया, अगर दिन में इसने इस पे बाथरूम कर दी, मैंने इसे अलग से जाके करवाया नहीं, तो बेडशीट मुझे हटानी पड़ती है, क्योंकि गीली हो जाती है फिर वो, और मैं चेंज कर इस पे बिछाऊंगी भी। और दक्ष देखो अपने, और दक्ष अपने बॉल से खेल रहा है, ये देखो दक्ष, ये पिल्लू लगाओगे दक्ष, बॉल कहाँ है, ये पिल्लू बॉल कहाँ है, बॉल बॉल दिखाना, बॉल ये आधा मत दो उससे बॉल, अभी अभी भैया को दे दो बॉल, जो कैमरा देख के खुश हो रहा है, वो गई बॉल, उठाओ बॉल, उठाओ बॉल, उठा लो अब ना, कैमरे के चक्कर में बॉल उठा नहीं जाएगा, वरना तुरंत पलटेगा और जाकर बॉल उठा कर लाएगा, मतलब जाके क्या, वो सरक सरक का पक्का, क्यों
फ्रेंड्स एक ये हुडी टाइप का स्वेट स्वेटर है वो लिया है। इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी हैं, इस पे फोर लिखा हुआ है और फोर बना हुआ है एंड फोर टेडीज भी बने हुए हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इसका प्राइस है जो कि इसमें दिया हुआ है, अभी मुझे सही से दिख नहीं रहा, फिर दिखाती हूँ। ये 319 रुपीस का है, आई थिंक मुझे सही से दिख गया है, लेकिन मैं प्राइस बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, बस टैग देखकर ही बता रही हूँ। तो अच्छा लगा मुझे, हुडी के साथ था ये। और दूसरा ये एलिफेंट वाला है, ये स्वेट स्वेटर जो है ये विदाउट हुडी का है, स्लीव्स इसकी सेम है एंड ये एलिफेंट बना है, एलिफेंट का बेबी बना हुआ है एक्चुअली। और इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, 200 कुछ करीब है, 249 कुछ करीबन ऐसे कुछ था। और ये तीन पैंटी ली हैं छोटी छोटी सी डक्स के लिए, तो इनका जो प्राइस है मुझे याद नहीं है बिकॉज इनका टैग निकल गया है और मैं आपको बता नहीं पाऊंगी इसके बारे में। क्यों भाई है तुम्हारा, दोगी नहीं? अच्छा देखो अब देखना, अब आद्या क्या की अपने गुड्डे को उस तरफ लटा दिए और इसको बॉल दे दे रही है। लो अपनी बॉल के साथ खेलो, मेरे डॉल मत छुओ। और पता है दक्षी एक आदत और है, ये अपनी बॉल को उस टाइम नहीं लेगा जिस टाइम आद्या अपने खिलौने से खेल रही होगी। ये देखो इग्नोर कर दिया, ये इधर डली बॉल और ये इधर आ गया है ना, और हंस रहा है। पिटोगे बहुत बहुत पिटोगे तुम बहुत। तो ऐसे ही करता है दक्ष, देखो अब अपनी बॉल नहीं लेगा, अब आद्या के खिलौने लेने के चक्कर में। ये देखो बॉल बिल्कुल नहीं लेगा है, ऐसा ही करता है। मैंने इसको मतलब कल ही नोटिस कर लिया था मैंने। अब कैसे पकड़वाओगे, अब तो लॉकडाउन बंद। लो दरवाजा लगा दिया आद्या ने। आद्या ये आपको परेशान करता है बहुत, क्यों? हाँ। आपको टॉयलेट ले लेता है। हाँ। दूल्हा दुल्हन सो रहे हैं। अच्छा मैं चुप रहूँ, सो रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो भाई सोने देते हैं, ठीक है। तभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, ग्रीन चटनी। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे आप ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं, तो मैं धनिया डालती हूँ और उसके बाद हरी मिर्ची एंड धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और नमक, टमाटर और आमचूर का पाउडर जरूर डालती हूँ, देन पीस के ये चटनी बन के तैयार है। और मैंने आज बनाए हैं आलू के पराठे जो कि मुझे दही के साथ भी पसंद है, आलू के रायते के साथ बहुत पसंद है। थोड़ा सा मसाला रख लिया है, आलू के पराठे, चटनी एंड आलू का रायता। हाय गाइस, तो सारा काम निपटाने के बाद आज मैं ये दो फेस पैक लेके बैठी हूँ। ये रू मंत्रा का फेस पैक है दोनों, और इनमें से कोई एक मैं लगाने वाली हूँ, तो मैं हल्दी वाला लगाने वाली हूँ। और ये है चंदन, ये है रू मंत्रा मुल्तानी D10 फेस पैक। तो ये टैन रिमूव करता है, तो ये भी अच्छा है। और ये है रू मंत्रा हल्दी चंदन फेस पैक, ये हल्दी हमारे चेहरे के लिए अच्छी होती है, तो ये भी हमारे चेहरे को निखार लाती है चेहरे पे। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों ही रेगुलर में ला सकते हैं अपने, हफ्ते में एक दिन ये और एक दिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। और इस फेस पैक मुल्तानी मिट्टी वाले फेस पैक में है मुल्तानी मिट्टी, नारियल का तेल, खीरा और घृत कुमारी, अंकुरित गेहूं, नींबू, तुलसी, नीम, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स है। और जो ये हल्दी चंदन वाला है इसमें है हल्दी, घृत कुमारी, सूरजमुखी, जैतून, चंदन और हल्दी, ये इसमें पाए जाते मतलब डाले गए हैं, मिलाए गए इंग्रेडिएंट्स। तो इन दोनों में से मैं ये हल्दी वाला अभी अप्लाई करने वाली हूँ। और इनका जो डक आवाज़ कर रहा है, इन दोनों का जो प्राइस है वो 87 रुपीज़ है और इसका जो नेट वेट है वो 60 ग्राम यानी 60 ग्राम है। तो रू मंत्रा के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं और तो और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा, आपके स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इनसे। मैं पर्सनली इनको यूज कर रही हूँ, फेस वॉश, एलोवेरा फेस वॉश, नीम फेस वॉश, तो मुझे तो बेनिफिट मिला हुआ है इसका। तो मिस्ट भी मेरे पास है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं रूप मंत्रा का एक अलग से फुल अपना स्किन केयर शेयर कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल तो मैं ये वाला अप्लाई कर ले रही हूँ, दोनों के प्राइस सेम है, दोनों का वेट सेम है और बस इसमें जो भी मिलाया गया वो थोड़ा बहुत अलग अलग है बस, लेकिन है काफ़ी अच्छी है। तो मैंने अपना फेस को पानी से धुल लिया है,
मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है क्योंकि सुबह से मैंने कोई मेकअप किया ही नहीं था। जो मैं निकालूँ बस फेस वॉश कर लिया है और ये बिंदी हटा देती हूँ। काजल इतना अच्छा है, स्टेक विकी का है, इतना अच्छा है, कितना भी साफ करो इतनी आसानी से नहीं जाता है, तो वो कल सुबह ही जाएगा सर। तो मैं ये लगा लेती हूँ। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और जो ये D10 वाला है, तो आप जैसे कि कहीं धूप में जाते हैं उसके बाद जब घर लौट के आते हैं तो उसके बाद ये वाला फेस पैक अप्लाई करेंगे तो आपके जो टैन वगैरह है वो धीरे धीरे चला जाएगा। एक दिन में तो नहीं जाता है किसी भी चीज़ से, बट ये वर्क करेगा। तो मैंने लगा लिया है और मैंने नाइट में इसलिए लगाया है तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो सिर्फ लगा के ड्राई करना है तो इतना तो टाइम मिल ही सकता है, लेकिन मुझे नहीं मिला है तो मैंने सोचा आज रात में ही लगाते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। होप आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना। अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक तो नहीं है लेकिन हाँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ। धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, दवाई लेती रहूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ दवाई दूध के साथ जो लेती हूँ वो लेने। तो चलिए मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप इनमें से कुछ भी, दोनों में से कोई भी बाय करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ दोनों बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। बहुत सस्ते हैं यार, 87 रुपीज़ में मिल रहे हैं आपको। बाय बाय, गुड नाइट।